ये देखिए क्या है, ये चिड़िया का बच्चा लग रहा है ना, लग रहा है चोट चोट लगा इसको, घायल है ये, निकालो पकड़ो ना। इतनी अच्छी बीवी मिल गई तो आप कहेंगे अच्छी बीवी? किधर से? हर तरह से अच्छी बीवी। कहाँ दिख तो नहीं रहा मुझे अच्छा ही आपके अंदर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी आज सुबह सुबह हम लोग एजल को लेके बाड़े में आ गए और मैं बाड़े से इंट्रो शूट कर रही हूँ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी इंजेक्शन लगवा के आए हैं उसको और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मॉल जाना है मॉल जाना है, तो मैंने कहा इसको बाड़े में ही घुमा देते हैं। और बाड़े में आने के लिए वो इतना खुश हो जाती है कि उसको अमरूद तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी बच्ची मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको दोनों टाइम इंजेक्शन लग रहा है और दिन भर में 6 इंजेक्शन, 3 शाम को और 3 सुबह। इतना ज़्यादा उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करें मेरी बच्ची के लिए। और अभी बाड़े में आए तो चलते हैं अमरूद तोड़ लेते हैं। बहुत इसके लिए मॉल ही। एजल, एजल कहाँ हो? एजल कहाँ हो? हेकानी मतलब इधर ही है, मतलब बोले हेकानी। उसका भोजपुरी बहुत लोगों को पसंद आता है और वो भोजपुरी ज़्यादा बोलती है। बार बार बोलती है मम्मा हमके सुई ना लगावा, मम्मा सुई ना लगावा, ऐसे बोल रही है बार बार। तो अभी इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। और मैं सोची थी कि बाड़े में आऊँ तो भाभी बोली कि बाड़े में जा रही है तो धनिया की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती और सारे घर के सामान ले गई। हाँ, ये है लहसुन, लहसुन के हरे पत्ती जो सब्जी में हम लोग डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं हम लोग और चटनी में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो धनिया की पत्ती, लहसुन और अमरूद वगैरह ले लेते हैं फिर चलते हैं। क्या बेटा क्या पकड़ा? क्या बेटा? डोला पकड़ा, मतलब झोला पकड़ा। और ये बहुत खुश है, रख दो इसी में। तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये चलते आ रही है, बहुत खुश है। इसका मन इधर ही घूमने फिरने में ही लगता है। आधी तो तबीयत इसकी घूम फिर के सही हो जाएगी, क्यों जी? हाँ, आधी घूमेगी सही रहेगी, घर में रह के और ज्यादा बीमार हो जा रही है। हाँ। का बेटा का तू गिर जाएगी, ये तो गिर जाएगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अपने भोजपुरी में थोड़ा सा ब्लॉग बनाइए, तो आज आप लोगों को बेटा इन लोगों को देखने के लिए मिलेगा भोजपुरी थोड़ा सा। का बेटा का तू आ गई ली, अब ना गिरो। हाँ, अपना झोला दे रही है कि इसमें रख, मतलब हेमन रख दा। हम लोगों का यही ऐसे ही बोलते हैं हम लोग अपने गांव में कि का कर तू ना जा तू। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं, रूबी का ले लो। और मुझे ऐसा हम क्या ऐसा नहीं अमरूद अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कच्चा, ज्यादा पका वाला ना, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। के कर बेटा। और ये घर ऐसा कहा था कि हमार छोटी से तोड़ दी, मतलब छोटी छोटी से तोड़ है, मतलब कह रही है कि बड़ा वाला हमार है और छोटी से अमरुद तोड़ है। लो बड़ा वाला अमरुद, अजल ये बड़ा वाला केकर तोड़ के हमारा तोड़ हमारा छोटी से तोड़ है। हाँ, मतलब हम हमार बड़ा तोड़ छोटा। हाँ हाँ, कौन है तोड़ ये बड़ा वाला अमरुद तोड़ है? टमाटर भी पक गया है और इधर बहुत सारी खेती करे इनके पापा ने, इधर आलू भी लगा हुआ है ना। हाँ, आलू है, फिर गाजर है, गाजर के बाद ये लहसुन है, फिर टमाटर बैंगन। चलिए और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। क्या बेटा अमरूद है ना, तबीयत ठीक हो गई क्या? तो क्या अमरूद चाहिए? हाँ, इसको अमरूद चाहिए गाइस। और देखते हैं, इसको सिर्फ बाहर घूमने का दिल करता है। का कदर भाई कहती ऊपर का कैसे भेटाई, चलो तू तोड़ दा, लंबाई का फायदा उठा लेगा। तब क्या। तो गाइस काफी टमाटर भी पक गए हैं, वैसे घर पे टमाटर था लेकिन सोच रहे हैं तोड़ के ले जाएं क्योंकि ये पका यहाँ पे छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा, और तोड़ के ले जाएंगे फ्रिज में रख देंगे तो सही हो जाएगा। तो जितने पके टमाटर है बहुत सारे, तो वो सारे मैं तोड़ लेती हूँ, तोड़ के फ्रिज में रख देंगे तो कम से कम खराब नहीं होगा। टमाटर बोली क्या है वो, तो छोटा सा टमाटर, छोटा सा, और टमाटर को एज टमाटर बोलती है, छोटा वाला ले लो, ले ला जाओ जो पक्का है वो लेना, तुम तोड़ लो जाओ, छोटा वाला तोड़ लो जो पक्का है, लाल है जो, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा एजल खुश है। हाँ, तोड़ ली। पापा को दिखा, देखिए छोटा सा का तोड़ लो जा, गोल टमाटर, गोल मटर। क्या तोड़ी हो, गोल मटर। तो गाइस मैंने इतना टमाटर तोड़ दिया और अभी भी लाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा छोड़ दे रही हूँ, पापा लेके जाएंगे। और अब चलते हैं धनिया की पत्ती ले लेते हैं और हरी वो जो लहसुन का पत्ती होता है वो ले लेते हैं। क्या
और अमरूद चाहिए, इसको एक झोले भर के चाहिए। दे दे, रुक जाओ। ये देखिए क्या है, ये चिड़िया का बच्चा लग रहा है ना। लग रहा है चोट लगा है इसको, घायल है ये। निकालो, पकड़ो ना। ये कौन सी चिड़िया है? कौन सी चिड़िया है? चिड़िया बेटा, चोट लगा है इसको। गिर गया होगा पेड़ पे। कौन सी चिड़िया है? ये टेटा है क्या? पता नहीं, हमको नहीं पता। इसको चोट लगा है यार। कहाँ पे लगा है? दिख रहा है? नहीं, देखिए नीला हो गया है यहाँ पे। हाँ? नीला सा लग रहा है। पता नहीं बेचारी को क्या हो गया है। ये उड़ भी नहीं पाएगी ना, इसको कहाँ छोड़े, ठंडी लगेगी। इसको ऐसे जगह पे छोड़ो ना कि कुछ पकड़े ना इसको ना। हाँ, पेड़ की डाली पे रख दो या एक साइड रख दो कहीं कॉर्नर पे। छोड़ दिया वहीं पे। हाँ, वो जा रही है, वो अंदर जा रही है। तरस लगता है ना ऐसे चिड़िया को देख के, चल फिर नहीं पाती, बहुत तरस लगता है। बेचारी उड़ नहीं पा रही है। तो गाइस, अब ये हरी जो पत्ती होती है लहसुन की, ये ले लेते हैं और इसको हम लोग नीचे से तोड़ते हैं, ऊपर साइड से नहीं तोड़ते, नीचे साइड से जो रहता है वो तोड़ लेते हैं। तो अभी धनिया की भी पत्ती लेनी है, फटाफट से ले लेते हैं क्योंकि इनको लेट हो रहा है। और अजल भी अब अमरूद ले ली है अपने हिसाब से, तो अब जाने के लिए जिद कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इसकी तबीयत सही होगी, ऐसा ऐसा काम कर रही है। इतना वजनी अमरूद लिए, देख सकते हैं लगभग 2 किलो वजन होगा, और ये लेके टहल रही है। चाकू भी लाई हो गया यार। हाँ, चाकू लेके आए थे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ऐसे लेट लगता है ना, एक एक पत्ती तोड़ने में लेट लगता है, चाकू से काटने में बहुत आराम रहता है। बच के रहना बाबा, बहुत खतरनाक। बच के रहिएगा, बहुत खतरनाक लड़की है ये। कौन हम? इतनी अच्छी बीवी मिल गई तो आप कहेंगे अच्छी बीवी। किधर से? हर तरह से अच्छी बीवी। कहाँ दिख तो नहीं रहा है मुझे अच्छा ही आपके अंदर? नहीं दिख रहा है तो वो आपकी आंखों में कमी है, देखने में कमी है, मेरे में नहीं कमी है। अच्छा। ये शांति से अभी खड़ी है 2.5 किलो अमरूद लेके। बहुत मजा आता है मुझे। हाँ, वो अमरूद लेके खड़ी, वो उठा नहीं पा रही है, जमीन में रखी है। अब यूट्यूब से पैसा कमा के 2-4 बीघे जमीन खरीद के इसको खेती कराने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कर लूंगी खेती, मुझे बहुत, ये सब काटने वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे चलते हैं, अभी धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती, टमाटर वगैरह सब ले लिए और ये अपने झोले में रखने नहीं दे रही है। तो चलते हैं घर और इनको जाना है अपने घर। मिलते हैं आप सभी थोड़ी देर में। रूबी, इसको चले नहीं जा रहा लेकिन अपने से ढोएगी। हाँ, और इसको पता नहीं था कि इसमें थोड़ा सा टमाटर छोड़ गया। तो आओ मन मटर। और मटर छोड़ गया इसमें बेटा। गोलू, कहाँ जा रहे हो? गोलू, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भाई? इधर देखें, क्या लिए हो गोलू? 2 टाफी। झूठ में नहीं, सच्ची में टाफी दो। हाँ, मैं खा जाऊं टाफी? दे दो गोलू, रख के उठा लिए। वाह 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 वाह, गोलू बहुत अच्छा है। मांगोगे नहीं ना? मांगना मत। देखो अजल नहीं दे रही अपना। अजल तुम भी दो ना। दे दो बक, अजल अच्छी नहीं है, गोलू बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। लो ले लो, खा लो। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो गया है और अजल को फिर से इंजेक्शन लगवाना है, सबसे बड़ा और पहाड़ का नहीं लगता। तो चलते अल्लाह। क्या बेटा? फिर से इंजेक्शन ना लगाई है मम्मा, मेरी बच्ची कह रही फिर से इंजेक्शन मतलब हुआ मम्मा। ये तो दम कलेजा चीर देने वाला बात बोलती है। अच्छा, फिर से इंजेक्शन नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मेरी जान नहीं लगेगा। इसको इंजेक्शन लगा के आते हैं तो बेटा। और जब भी सुई लगवाने की बारी आ रही तो रो रही है बहुत ज्यादा। क्या हो बेटा? आ जाओ आ जाओ, इंजेक्शन। इधर मॉल ना, मॉल चले गए, इधर मॉल ना आएगी ना, उधर मॉल चले गए। ना 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 ना, जलना। हाँ माँ, बच्चा पापा पर जाओ ना लगे। तो गाइस, अभी खाना पीना हो गया और अजल को इंजेक्शन लगा के आया और ये सो भी नहीं रही थी, बहुत ही मुश्किल से ये 11:30 बजे आ रही सोने में, देख सकते हैं आप लोग। और मुझे इतना ज़ोर से नींद लग रहा था कि मैं थोड़ी देर सो के भी उठ गई और फिर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज इतना ज़्यादा परेशान किया अजल, और इसको ना ऐसा लग रहा है कि इंजेक्शन लगने की वजह से घबराहट हो रही है। क्या बहुत रो रही है, मुझे नानी के पास जाना है तो मुझे नाना के पास जाना है, पता नहीं सबको बोल रही कि सबके पास जाना है और पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। और जब तक बाहर घूम रही है तब तक तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब घर में आ रही है तो वही परेशान करना स्टार्ट कर दे रही है।
तो गाइज देखते हैं कब तक इसकी तबीयत एकदम अच्छे से ठीक हो जाती है। और बार बार कह रही कि मुझे मॉल जाना है, दानापुर में मॉल नहीं है जैसे कि आप सभी भी जानते हैं। तो देखते हैं कब थोड़ा सा ठंडी कम होता है तो उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं, पहले ये ठीक हो जाए। आप लोग भी दुआ करें कि ठीक हो जाए। और भी बहुत रात हो चुका है गाइज, 11:30 बजे तो ये सोई है, 12 बज रहे हैं। और मिलते हैं आप सभी से गाइज नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय सभी को, गुड नाइट।